दुनिया में चार तरह के लोग हैं मैं और आप जितने यहाँ बैठे हैं किसी एक जुमरे में ज़रूर हैं अब हमने यह देखना है कि हम किस ग्रोह में हैं किस तबके में हैं फरमाया अब दिन रज़ा का हु मालन व इल्म पहला वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल भी अता किया है इल्म भी अता किया है फ़हम इदराक की दौलत भी अता की फोवैत तकीफी है रबा और वो अल्लाह से डरता है इल्म जो दिया गया है तो तकवा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो माल के मामले में बहुत मोहतात है व यसे सैलो है राहमा और वह सिला रहमी करता है रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखता है व है फ़ी है हकपा और जानता है कि इस माल में अल्लाह का हक क्या है इसकी ज़क़़त भी निकालनी है ईद आई तो फ़ितराना भी निकालना है हज का मौसम है तो कुर्बानी भी पेश करनी है ज़रूरतमंद हाजतमंद मेरी दहलीज़ पे आए सवाल करें तो मैं उनके सवाल को पूरा भी करना है जो मांगता है उसको भी देना है जो इज़्ज़त नफ्स की वजह से मांग नहीं सकता लेकिन ज़रूरत है उसकी मैं ढूंढ के उसकी दहलीज़ तक पहुँचना है फहाजा बे दल मनाजिल ये शख्स जिसके पास माल भी है इल्म भी है अल्लाह से डरता भी है सिला रहमी भी करता है माल के हक़ को भी जानता है कायनात में जो बेहतरीन लोग हैं इसका शुमार उन बेहतरीन लोगों में होता है वो अब्दुन रज़ा इल्मा, दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला जल्ला शाहू नेता किया वलम याक हो माला, लेकिन उसके पास माल और दौलत नहीं है फहबा सादकिया लेकिन बड़ा सच्ची नीयत का शख्स है यकूल वो कहता है लो लोअली मालन लमिल तो बेअमल फ़लॉँ अगर मेरे पास माल होता तो जिस तरह फ़लाँ शख्स ने अच्छे काम किए हैं मैं भी ये काम करता मेरे पास माल होता तो मैं भी मस्जिद तमीर करवा देता मेरे पास माल होता तो मैं मरकज़ मुस्तफ़ा के लिए अपनी खिदमत पेश कर देता तजोरियाँ तो खोल देता जो काम सालों में होना है, महीनों में होता और वो सच्ची नीयत से अगर होता तो करता भी कुछ लोग होते हैं कि नीयत करते हैं जब आ जाता है तो फिर किसक जाते हैं ये खोटी नीयत वाले होते हैं जब माल आता है तो कहते हैं नहीं इस माल से और माल बनाएंगे फिर माल देंगे कुछ लोग ये सोचते हैं बाद में थोड़े से पैसे आए वो कहते हैं बस इससे और कारोबार करेंगे फिर और पैसे हम एक बार ही सारा कर देंगे और वो सारी ज़िंदगी कर नहीं पाते और जिन्हें नसीब होता है वो मजदूरी के पैसों से भी चार आने पेश कर देते हैं अल्लाह अकबर तो फरमाया कि वो सच्ची नीयत का है अगर उसको माल मिल जाए तो वो वाक्य ही कर दे ऐसा तो फरमाया जब कयामत के दिन नामा माल तो ले जाएंगे ये दोनों लोग बराबर होंगे तीसरा शख्स हजूर ने शाद फरमाया अब्दुन रज़ा का मालन वलम यर जुक इल्मा। तीसरा वो शख्स जिसके पास माल बहुत सारा है लेकिन इल्म नहीं है जहालत की वजह से इल्म न होने की वजह से माल को सही जगह पर खर्च नहीं करता और रब से डरता भी नहीं है रिश्तेदारों के साथ सलूक भी उसका कोई अच्छा नहीं है माल ने उसको मकरूर बना दिया है और माल के हक को भी नहीं जानता इस माल को खर्च कहाँ करना है ये भी नहीं जानता फहाजा बेअ बसल मनाजिल हजूर ने फरमाया खबीस तरीन जगह पर खड़ा है चौथा शख्स वो जिसके पास माल भी नहीं है जिसके पास इलम भी नहीं है और वो कहता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं फलां की तरह ऐशोशरत करता मेरी भी मौजें होती मेरे में क्या कमी है तो वो इसकी नीयत के साथ खड़ा हो गया फविज़ रवा अल्लाह के महबूब फरमाते हैं गुनाह में ये बराबर हैं ये भी उसी की मंजिल में है अब मैं और आप ये देखें कि इन चार में से हम कोई एक ज़रूर हैं हम कहाँ खड़े हैं अगर पहली दो मंजिलों में हैं पहले दो तबकों में हैं तो शुक्र का सजदा कीजिए और अगर दूसरे दो तबक़ों में है तो तौबा करने में देर ना कीजिए रजू रजूल कीजिए अल्लाह अकबर तो अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये खुशनसीब लोगों का मकसूम हुआ करता है